नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो वेनारे के पार्ट टू की बात करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस प्रकार से किसी भी चीज का लॉजिकल डायग्राम वेनारे बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, वो चीज मैंने आपको बता दी थी कि जैसे अपन को ये दे दे, मोर दे दे, गाय दे दे, हिरण दे दे, इनके किस प्रकार से वेनारे बनाने वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे ये बोल दीजिए कि ये है जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, ये किसको इंडिकेट करता हूं, शिक्षक को। तो ये त्रिभुज शिक्षक को इंडिकेट करता हूं। फिर उसके बाद में ये जो आयत है ये ग्रामीण को इंडिकेट करता हूं। ये आयत जो है ये किसको दर्शाता हूं, ग्रामीण को। और ये जो वर्त है ये खिलाड़ी को दर्शाता। तो मेरे कहने का मतलब त्रिभुज शिक्षक को दर्शा रहा है, आयत ग्रामीण को दर्शा रहा है, और ये वर्त जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। फिर इसमें अंक लिख दिए, ये एक लिख दिया, इस एक का मतलब ये इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है, इस वाले को। फिर ये दो लिख दिए, तीन लिख दिए, सात लिख दिए, छह लिख दिए, चार लिख दिए, पांच लिख दिए। अब इनमें 13-14 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का, जैसे अगर बीएसटीसी वगैरह का एग्जाम आप लोग देते हो तो बीएसटीसी में इससे 5 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जैसे अपने को ये बोल दीजिए केवल व केवल शिक्षक को कौन सा अंक दर्शा रहा है, अंक दर्शा रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है केवल और केवल शिक्षक को कौन सा अंक दर्शा रहा है। तो केवल और केवल शिक्षक का मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही होना चाहिए, बाकी और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग देखते हो ये जो यहां से लेकर के यहां से ऐसे ही, और ये जो पार्टी है कि एक नंबर वाला जो है, तो एक नंबर वाला जो है ये केवल और केवल किसको दर्शा रहा है, शिक्षक। अब इसमें लैंग्वेज पर भी परिवर्तन इस प्रकार से भी हो सकता है कि ऐसे शिक्षक को कौन सा दर्शा रहा है जो न तो ग्रामीण है और नहीं खिलाड़ी। तो इसका मतलब, उसका मतलब भी क्या हो गया, एक ही। इसमें यह भी हो सकता है कि ऐसे शिक्षक को कौन सा दर्शा रहा है जो न तो ग्रामीण है खिलाड़ी। तो इसका मतलब उस नए तो शब्द के बीच में ग्रामीण और खिलाड़ी के बीच में कोमा नहीं, तो कोमा नहीं हो तो इसका मतलब एक, अब मैं आपको एक हिंदी का वर्ड बता रहा हूं विदाउट कोमा। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो, इसमें अगर कोमे की सिचुएशन बदलते हैं, इसका दूसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं, रोको मत जाने दो। तो इसका मतलब इसमें भी रोको मत जाने दो हो गया, और इसमें भी क्या है, रोको मत जाने दो। तो इसका मतलब ये भी रोको मत जाने दो है, ये भी रोको मत जाने दो। तो इसमें जो कोमा है उस कोमा का क्या प्रभाव होगा, अगर यहां पे आपने कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो, यानी किसको रोक रहे हैं, जाने नहीं देना। और अगर ये कोमा यहां पे लगा इसका मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो, यानी कि रोकना नहीं है इसको, इसको जाने दे रहे हैं, ठीक है। ये फुल स्टॉप का फर्क होता है। तो मेरे कहने का मतलब इसमें तीन लैंग्वेज की क्वेश्चन बन जाती। इसी तरीके से अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने भी मौखिक रूप से बता देता हूं कि केवल व केवल ग्रामीण को कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो इसका मतलब केवल व केवल ग्रामीण को कौन सा अंक दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रामीण को कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो केवल व केवल ग्रामीण को कौन सा हो गया, छह। यानी कि ये जो छह है इसमें केवल और केवल ग्रामीण को दर्शाएगा। अगला तीसरा प्रश्न जो आ जाए इसमें कि ऐसे खिलाड़ी
को कौन सा अंक दर्शा रहा है? दर्शा रहा है जो न तो ग्रामीण है और न ही शिक्षक है। तो ऐसे खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा जो न तो ग्रामीण है और न ही शिक्षक है, इनकी अकेला खिलाड़ी है, तो वो कौन सा हो गया? पांच नंबर वाला, क्योंकि इस पांच नंबर में शिक्षक का भी कॉलम नहीं है और ग्रामीण का भी नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ऐसे खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है जो न तो ग्रामीण है और न ही शिक्षक है, तो वो कौन सा हो गया? पांच नंबर वाला। तो मेरे कहने का मतलब केवल व केवल बोल रहे और चाहे इस प्रकार से बोल रहे और चाहे ये नहीं तो शब्द लिख करके नहीं, यहाँ पे कोमा लगा करके बोल रहे, तो एक ही बात है। तो ये एक नंबर किसको? केवल और केवल शिक्षक को, छह नंबर केवल केवल ग्रामीण को, पांच नंबर केवल केवल खिलाड़ी। इसके बाद में आगे जो चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, वो जो क्वेश्चन आता है चार नंबर का, जो क्वेश्चन आता है चार नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऐसे शिक्षक को कौन सा अंक दर्शा रहा है? दर्शा रहा है जो ग्रामीण है परंतु खिलाड़ी नहीं है। ऐसे शिक्षक को कौन सा अंक दर्शा रहा है जो ग्रामीण है परंतु खिलाड़ी नहीं है? मेरे कहने का मतलब शिक्षक और ग्रामीण दोनों का कॉलम मिलना चाहिए। तो ये जो कॉलम है यहां पे, इसमें शिक्षक और ग्रामीण दोनों का कॉलम मिल गया ना दो नंबर, और खिलाड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये खिलाड़ी का तो ये गोला है, तो ये गोला साइड में रह गया। तो इसका मतलब इसके लिए अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? दो। कितना होगा? दो। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो पांचों क्वेश्चन आता है केवल व केवल, केवल व केवल ग्रामीण खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो इसका मतलब केवल व केवल ग्रामीण खिलाड़ी चाहिए अपने को। केवल व केवल क्या चाहिए? ग्रामीण खिलाड़ी। तो केवल और केवल ग्रामीण खिलाड़ी चाहिए। तो केवल और केवल ग्रामीण खिलाड़ी जो है ये इस सात नंबर के कॉलम में ग्रामीण और खिलाड़ी दोनों मिल रहे, शिक्षक नहीं मिल रहा अपने को। केवल और केवल देश का शिक्षक है। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है कि केवल और केवल शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो ये बात आ जाए, तो शिक्षक खिलाड़ी को अगर कौन सा अंक दर्शा रहा है तो शिक्षक और खिलाड़ी दोनों कोण से मिल रहे, तो वो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चार। तो इस तरीके से केवल और केवल शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है तो वो चार नंबर हो जाएगा। इसके बाद में अगर सातवां क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आ जाए कि केवल व केवल, केवल व केवल ग्रामीण शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो मेरे कहने का मतलब सातवां क्वेश्चन आ गया कि केवल और केवल ग्रामीण शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो केवल और केवल ग्रामीण शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है? तो उस स्थिति में ग्रामीण शिक्षक और खिलाड़ी तीनों के तीनों इस तीन नंबर में मिल रहे, तो इसका जो अपना आंसर हो गया कितना हो गया? तीन। तो इस तरीके से सात क्वेश्चन तो ये होंगे। फिर उसके बाद में अगर अपना आठवें क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो वो आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो जो आठवां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या आएगा कि अपने को ये बोल दीजिए कि शिक्षक को कौन कौन सा अंक दर्शा रहा है? शिक्षक को
तो दोस्तों शिक्षक को कौन सा अंक दर्शा रहा है, कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो उस स्थिति में अपना आंसर होगा कि शिक्षक के लिए ये पूरा कॉलम है और इस पूरे कॉलम में 1+2+3+4 तो ये आ गया। कई बार यहां पे इनकी संख्या भी दी जाती है तो संख्या जोड़ के लिख दी, कई बार एबीसीडी लिख दी जाती तो एबीसीडी, तो यहां पे शिक्षक बोल दिया, इसमें केवल क्यों नहीं, तो शिक्षक के लिए त्रिभुज था तो त्रिभुज के अंदर 1, 2, 3 और 4 थे तो 1+2+3+4 और यहां पे 10, 15, 20, 25 अगर संख्या दे रखी हो तो उस हिसाब से लिख दे। फिर नौवा क्वेश्चन ग्रामीण के लिए बोल दिया जाए तो ग्रामीण के लिए बोल दिया जाए तो ग्रामीण के लिए 2+3+4+ कितना हो गया, सॉरी 2+3+4 नहीं 6+7 तो ग्रामीण के लिए पूरा आयत है तो आयत है तो 2+3+6+7। उसके बाद में दसवां क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी के लिए जो कौन सा आएगा तो पूरा सर्किल पूरा वर्ग खिलाड़ी के लिए, तो इसका 3+4+5+7 तो 3+4+5+7 ये जो आ गए किसके किसके लिए आ गए, खिलाड़ी के लिए आ गए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हो। अब उसके बाद में ये शिक्षक का हो गया 1+2+3+4, ग्रामीण का हो गया 2+3+6+7 और 3+4+5+7 और इसमें अगर संख्या दी जाए तो संख्या जो कि बता देंगे, एबीसीडी दे दी जाए तो एबीसीडी बता दें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, वो आ जाता है शिक्षक ग्रामीण को कौन सा अंक दर्शा रहा, कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो शिक्षक ग्रामीण को कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो शिक्षक और ग्रामीण दोनों 2+3 में मिल रहे हैं, शिक्षक और ग्रामीण यानी कि ये दोनों कॉलम इस 2+3 में मिल रहे हैं, यहां पे केवल और केवल होता तो ये खिलाड़ी वाला 3 हट जाता लेकिन यहां पे केवल और केवल नहीं है, तो इसका हम शिक्षक और ग्रामीण यानी कि इसका त्रिभुज का और इस आयत का कॉलम कहां पे मिल रहा है, 2+3 में। अगर बारहवें क्वेश्चन की बात करें तो ग्रामीण खिलाड़ी को कौन सा अंक दर्शा रहा है, तो ग्रामीण और खिलाड़ी, तो ग्रामीण और खिलाड़ी जो है वो ग्रामीण और खिलाड़ी दोनों चीज कहां पे मिल रही है, 6+7 में, क्योंकि ग्रामीण का जो है वो तो ये आयत है इसका कौन सा ही वर्ग, तो ये यहां पे मिल गए सॉरी 3+7 में, कहां पे मिल गए 3+7 में, क्योंकि यहां पे ये 3+7 में दोनों चीजें मिल रही है, यहां पे केवल और केवल शब्द होता है तब तो सिर्फ 7 मित्र, लेकिन यहां पे केवल और केवल शब्द नहीं है तो इस प्लस इसके कारण 3+7। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षक खिलाड़ी को कौन सा दर्शा रहा है, तो शिक्षक खिलाड़ी की अगर बात आए तो शिक्षक खिलाड़ी की बात आए तो शिक्षक का जो है वो त्रिभुज है और खिलाड़ी का ये वर्ग है, तो त्रिभुज और वर्ग दोनों किसमें मिल रहे हैं, 3+4 में, तो शिक्षक खिलाड़ी की बात आए तो 3+4 तो इस तरीके से शिक्षक खिलाड़ी आ गए, क्योंकि यहां पर केवल और केवल शब्द नहीं था, अगर केवल और केवल शब्द होता तो फिर ये 3 नहीं आता, और अगर इनकी संख्या देंगे तो संख्या जोड़ के लेते हैं। उसके बाद में अगर ये बोल दिए कि यहां पे अगर ये बोल दिया जाए कि शिक्षक ग्रामीण खिलाड़ी को कौन सा अंतर दर्शा रहा है, अगर 15 नंबर की बात है ये, तो शिक्षक ग्रामीण खिलाड़ी चाहे इसमें केवल केवल आ जाए और चाहे वैसे आ जाए, तो शिक्षक ग्रामीण खिलाड़ी जो आ जाए तो इसका शिक्षक ग्रामीण खिलाड़ी तो इसका इसके लिए क्या आ गया, 3 नंबर चाहिए, केवल और केवल और चाहिए ग्यारह। इसी तरीके से इस वैनारिक में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे यहां पे इस तरीके से दे दिया जाता, ये इस तरीके से घोड़ा दे दिया जाता, यहां पे 15 दे दिया, यहां पे 5 दे दिया, यहां पे 25 दे दिया, और ये चाय दे दिया और ये काफी दे दिया, कॉफी दे दिया, तो इसका ये चाय और ये कॉफी, तो दोस्तों अगर इसमें ये पूछ लीजिए कि केवल और केवल चाय पीने वाले आदमी कितने हैं तो 15 है, केवल और केवल कॉफी पीने वाले आदमी कितने तो 25 है, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले को दोनों कॉलम कहां पे मिला, इसे 5 पे मिला, तो दोनों पीने वाले कितने हैं, 5। और अगर यहां पे कुल संख्या पूछे
तो इन 15 प्लस 25 इनको जोड़ के ये 5 घटा दोगे, क्यों? क्योंकि ये 5 दोनों साइड में है। अगर कुल संख्या की बात आए तो ये 15 प्लस 5 ये घटा दोगे, क्यों? 15 प्लस 25 माइनस 5, क्योंकि 5 इस साइड में भी आया, 5 इस साइड में, एक ही चीज कितनी बार गिनी है? दो बार। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 25 40, 40 में 5 घटाए तो 35। तो इस तरीके से वेन आर एफ के क्वेश्चन को कर सकते।